दादा साहब मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और सब जगह धूम मचा रहे हैं ये भी। तो इस फिल्म जो है इनकम्प्लीट जर्नी, ब्रजेश यादव इसके प्रोड्यूसर हैं, तो ये जब गाना बनाया तो मैंने यही सोचा कि यार ये गाना किससे गवाया जाए। तो जावेद साहब बहुत गाने गाए पहले भी इन्होंने, फटेला जेब सिल जाएगा तो बस अभी जेब सिलेंगे, बस जेब सिल चुकी है अभी इतनी नहीं सिली, जितना मिले उतना कमी होता है। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, बस आप ही की वजह से हमें। तो प्लीज़ ये जो हम कर रहे हैं उसमें भी आप हमारा साथ दो, फिल्म को देखो, गाने को सुनो। नमस्कार। आज का गाना बड़ा ही रोमांटिक गाना है, थोड़ा सा रोमांस भी है इसमें, सैड मूड भी है, थोड़ा सा ड्रामा भी है गाने के अंदर, और नितिन रायकवार जी ने बहुत अच्छा कंपोज़ किया है और बहुत अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब लोग सुनेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। नितिन जी जो हैं हमारे बड़े चटपटे गाने लिखते हैं, थोड़ा सा उनका जो मूड है, लेकिन है ना वो थोड़े से रोमांटिक गाने भी लिखते हैं। ये गाना मैंने पहली बार उनका इस तरह का गाना गाया है, तो बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वही लिख सकते हैं नितिन जी, ये ऐसा लगता है कि ये भी लिख सकते हैं और साथ साथ कंपोज़ भी उन्होंने किया है। तो बहुत ही अच्छा गाना, गाने का मूड बड़ा अच्छा है जी। अभी लेटेस्ट अभी एक आई थी बेजुबान इश्क, एक फिल्म आई थी उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया था। अभी बजरंगी भाईजान रिलीज़ होने वाली है तो उसका मैंने एक गाना गाया है, तू जो मिला देखना ना मुड़ के, बहुत ही अच्छा गाना है वो, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा।